रात का जो मैच था वो मैच नहीं एक पैसा वसूल मैच था, टक्कर वाला मैच था, क्योंकि एक समय लग रहा था कि साउथ अफ्रीका मैच आसानी से जीत जाएगा क्योंकि 30 बॉलों पे 30 रनों की जरूरत थी, जो कि उसने हेनरी क्लासन ने अक्षर पटेल के आखिरी ओवर में उसे 24 रन मार दिए थे और यहाँ पे 5 ओवर में 30 रनों की जरूरत थी। तो वहाँ से जो है रोहित शर्मा ने गेंदबाजी का जिम्मा हार्दिक पांड्या को दिया और उसने निराश नहीं किया क्योंकि उसने पहली ही बॉल पे हेनरी क्लासन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा के वहाँ से मैच का टर्निंग पॉइंट ला दिया और इंडिया वालों को विश्वास दिला दिया कि हम यहाँ से विश्व कप जीत सकते हैं। उसके बाद वहाँ से जो है मार्को जैनसन बल्लेबाजी करने आए, वो भी 2-4 गेंद खेल के बुमराह के ओवर में बोल्ड हो गए। उसके बाद आखिरी 6 बॉलों में 16 रन की जरूरत थी, फिर से हार्दिक पांड्या ने, रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंदबाजी का जिम्मा संभाला और वहाँ से जो है फिर से हार्दिक पांड्या ने पहली ही बॉल पर डेविड मिलर को लॉन्ग ऑफ की तरफ जो है सूर्य कुमार यादव से एक बेहतरीन वर्ल्ड कप का बेहतरीन कैच यहाँ पे कैच करवा दिया, जिसके बावजूद 5 गेंदों पे 16 रन की जरूरत थी और वहाँ से जो है इंडिया आसानी से जो है 7 रनों से मैच को अपने वर्ल्ड कप को नाम कर लिया और 13 साल का जो सपना था वर्ल्ड कप जीतने का वो आखिरकार 2024 में पूरा हो गया, क्योंकि इंडिया जो है आखिरी बार वर्ल्ड कप T20 का 2007 में जीता था और वनडे का 2011 में जीता था। इसके बाद उसने कई बार फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, लेकिन फिर भी उसने हार का सामना किया, लेकिन 2024 में जो है बहुत ही जान जीव लगा करके उसने वर्ल्ड कप को नाम कर लिया।